एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रिशा, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में ना मैं मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रूटीन अपना शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी दिनों बाद ऐसी वीडियो शेयर कर रही हूँ जिसमें मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का मेरा रूटीन फुल रूटीन रहे। बस यहाँ पे ब्रश वगैरह की, फेस वॉश की, और बस चल रही हूँ। चाय एक साइड यहाँ पर चढ़ाऊँगी, चाय थोड़ा सा आँच इसका कम कर देती हूँ, और उसके बाद में यहाँ पर हॉल का कर्टेन वगैरह खोलती हूँ। ये बालकनी का कर्टेन है यहाँ पर, और एक साइड विंडो का कर्टेन, विंडो का मतलब कर्टेन है, तो यहाँ पे ये भी खोल दिया है और थोड़ा सा ये भी खोल देती हूँ। वैसे यहाँ पे धूप इस साइड ना बहुत कम आती है, लेकिन फिर भी मॉर्निंग में एक बार खोल दो तो उजाला वगैरह तो आता ही है। वैसे विंटर में ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक बार खोल दो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे चाय एक साइड मैंने रख दी है, चाय हो रही थी तब तक मुझे लगा ये सब कर्टेन वगैरह खोलती हूँ। और आज बालकनी भी साफ़ करनी है। काफ़ी दिनों से मैंने बालकनी में ऐसे रोज़ निकलना होता नहीं है, क्योंकि विंटर रहता तो बालकनी में ऐसी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन पत्ते वगैरह गिरते हैं तो रोज़ तो नहीं, लेकिन फिर भी दूसरे तीसरे हफ्ते में एक बार जैसा भी गंदा हुआ रहे। अभी पत्ते वगैरह बहुत कम गिरे हैं, लेकिन मुझे लगा आज साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ और फिर अभी रूम वगैरह में लगाऊंगी। मुझे लगा जब तक चाय बनेगी ना तब तक यहाँ तो फ़िलहाल मैं लगा ही लेती हूँ, और फिर उसके बाद बैठ के आराम से चाय पीऊँगी। ये सोफे का ब्लैंकेट है, रात में टीवी वगैरह देखते हैं ना तो उठते हैं, फिर ऐसे ही छुटा ही रह जाता है। फिलहाल ये अभी फिर से खुलेगा, लेकिन फिर भी एक बार फोल्ड करके मैंने रख दिया है। और यहाँ पे बस एक कप बैठूंगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद में फिर जो भी करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर चाय वगैरह पीने के बाद में ना ये रूम है हीटर वगैरह का, एसी हीटर के जो भी बड़े बड़े मशीन वगैरह होते हैं ये उसके रूम है, छोटा सा रूम है। एंटर करोगे जब आप रूम में ना तभी ये रूम दिया हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी जूते चप्पल थे ना, जब से हम लोग आए हैं जूते चप्पल बिल्कुल अरेंज नहीं किया, बस यहीं पर ऐसे गिरा दिया था। कहाँ रखूँ, कैसे अरेंज करूँ, क्योंकि यहाँ पर वैसा जगह नहीं है। जैसे पिट्सबर्ग में हमारा एक था ना कोट वगैरह रखते, यहाँ पर है वैसा क्लॉजेट कोट वगैरह रखने का, टांगने का, जैकेट वगैरह, लेकिन बहुत छोटा सा है नीचे, मतलब बहुत कम स्पेस है। वहाँ पाला बहुत बड़ा था। तो यहाँ पे मैंने हीटिंग का जो रूम है ना, हीटर वगैरह का, उसी में मैंने ऐसे रख दिया था, और टीवी का ये जो डब्बा वगैरह है ना वहीं पे रखा है। और ये शूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं जब पिट्सबर्ग में थी तो वहाँ स्नो वगैरह बहुत पड़ते थे, तो मुझे ऐसे बूट पहनने का शौक था, लिया था, लेकिन एक से दो तीन बार पहना होगा। और यहाँ तो स्नो वगैरह पड़ती नहीं है, रेयर ही किसी किसी साल ऐसे हल्का फुल्का पड़ जाए तो पड़ जाए, वरना यहाँ पर नहीं पड़ती, उतनी ठंड नहीं रहती यहाँ पर। तो फिर ये तो मैं अंदर ही रख दे रही थी। यहाँ पर बस मैं जूते चप्पल छांट रही हूँ जो भी विंटर के हैं ना, इनके ऑफिस जाते टाइम नहीं मिल रहा, सिर्फ एक जूते निकाले थे वही वो कब से पहन के जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपने जूते और इनके जूते निकाल रही हूँ। ये जो समर के चप्पल वगैरह है ना उसको मैं फिर अंदर अभी रख देती हूँ, क्योंकि जगह यहाँ पर नहीं है। अभी शूज रैक जो होती है ना वो लेंगे तो फिर यहाँ पर अरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे जितने भी जूते बाहर पहन के जाने के थे मेरे और इनके, मैंने सिर्फ वही रखे हैं। और यहाँ पे जब भी जूते वगैरह अरेंज करो ढेर सारे मोजे निकल जाते हैं, हर एक जूते में मोजे पड़े ही होते हैं। तो अभी मैं मशीन लगाऊंगी कपड़े साफ़ करने के लिए, तो डाल दूंगी उसमें। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने वो किए हैं, जितने भी समर के थे ना वो अरेंज कर दिए हैं, और विंटर के वहाँ पर रख दिए हैं। बस यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ हॉल वगैरह। मुझे लगा आज थोड़ा टाइम लग रहा है तो मैं पहले जूते चप्पल ही ठीक कर लेती हूँ। 2 महीने हो गए हमें यहाँ आए और जूते चप्पल ही नहीं अरेंज हो पा रहे थे। बस यहाँ पर झाड़ू वगैरह भी मैं यहीं पर रखती हूँ, और लाइट भी अंदर दी हुई रहती है। अगर अरेंज करो ना तो अच्छा जगह है, मतलब टीवी का इतना बड़ा बॉक्स रख दी हूँ, अभी मैं वो भी हटा दूंगी ना तो काफ़ी जगह हो जाएगी उस रूम में, मतलब जूता चप्पल रखने लायक तो अच्छा ही हो जाएगा। और फिर उसके बाद में चाय के बर्तन थे तो वो मुझे लगा धो के रख देती हूँ, थोड़ी बहुत चॉपिंग करनी है वो करके रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कैप्सिकम और गाजर, मटर और प्याज, ब्रोकली, ये सब, मटर और थोड़ी सी मिर्ची, ये सारी चीज़ें चॉप करके रख दी हूँ। और राइस भी डाल के मैंने, पक गए थे जब तक मैं वो सारा काम कर रही थी झाड़ू वगैरह, तब तक एक साइड मैंने राइस चढ़ा दी थी और ये राइस भी पक गई है। अब चल रही हूँ थोड़ा वॉशरूम की भी सफाई कर देती हूँ, थोड़ा स्प्रे करूँगी, ये जो सिंह है ना वहाँ का एरिया, मतलब डेली एक बार साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पानी वगैरह गिरता रहता है तो वो गंदा हो जाता है, दाग धब्बे जैसा पड़ जाता है पानी का। बस वो साफ़ किया और नहाई। और आज ना मैं मतलब अभी चल रही हूँ पूजा करूँगी बस कंघी वगैरह की। आज मैं खाने में ऐसे फ्राइड राइस बना रही हूँ, तो मतलब समझ लीजिए वो ब्रंच ही रहेगा, ना तो ब्रेकफास्ट रहेगा ना तो लंच रहेगा, मतलब बीच का बना लेती हूँ ऐसे। तो फिर बस यहाँ पर नहाई, भगवान जी के सामने दिया वगैरह जलाई, और राइस और मैंने चॉपिंग वगैरह सारा करके रखा
रखा है, बस मुझे उस तड़का ही करना है। तो राइस इसलिए पहले डाल दी थी ना, राइस थोड़ा ठंडा हो जाता है ना, तो मतलब मैस नहीं होता। आप गरम राइस को आप मिलाओगे ना तो पूरा हलवा बन जाता है। अगर आप राइस को बना के थोड़ी देर अगर जल्दी भी हो ना थोड़ा फ्रिज में रख दो तो वो मतलब कड़ा हो जाता है, तो मिलाते अच्छा बनता है, अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने गार्लिक नहीं चॉप की थी तो वो गार्लिक थोड़ा सा चॉप किया, यहाँ मिर्ची और गार्लिक का तड़का दिया वो हो गया था, तो प्याज का तड़का दिया हल्का सा, प्याज हो गया था, तो फिर इसमें जितने भी ये बेजीज है ना मैंने सब डाल दिए थे, कैप्सिकम, ब्रोकली, गाजर, प्याज और पत्ता गोभी था पर्पल वाला, वो सारा चॉप कर दिया है। आप इसको ढक के पकाओ या फिर खुला ही पकाओ, तो मैं ऐसे ही मतलब नमक डाल के थोड़ा सा खुला ही पका रही हूँ, क्योंकि खुला पकाओ तो क्रंची होता है, नहीं तो ढक के पकाओगे तो थोड़ा सॉगी टाइप हो जाता है ऐसा। तो यहाँ पे सब पका लिया है, और आपको लगे जल्दी हो ना तो थोड़ा ढक दो, भी दोगे तो इतना सॉगी नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा ढक के एकदम जैसे सब्जी पकाते हैं वैसा नहीं पकाना है। यहाँ पे बस राइस को मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा ऊपर से नमक डाला, और वैसे भी जब मैं राइस बना रही थी ना उसमें भी मैंने थोड़ा सा नमक डाल के बनाया था, तो यहाँ पे नमक डाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला, और अब भी डाल रही हूँ यहाँ पे सोया सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस डाला, और यहाँ पर ये चिली सॉस लिया है, ये ऑप्शनल है, आपको लगे तो डालो नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा चटपटा आता है। तो यहाँ पे मैंने सोया सॉस डाला, और फिर यहाँ पर डाल रही हूँ वो चिली सॉस जो होता है ना उसको लिया, और थोड़ा सा उसमें पानी डाला, हल्का सा पानी डाल के फिर से इसको डाल के मिक्स कर दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा बना था, बहुत चटपटा बना था, बहुत इजी है, मतलब आपके पास अगर राइस बनी हुई हो मतलब बची हुई हो तो भी इसका बनाओगे ना तो बहुत अच्छा एक खाना बन जाता है। तो ये हमारा दोपहर का लंच हो गया, आज नाश्ते में भी ऐसा कुछ किया नहीं था, और आप इसमें मतलब कोई भी सब्जियाँ डाल सकते हो, आपको जो पसंद हो ना वो डाल सकते हो, और टमेटो सॉस भी डाल सकते हो, सजवाइन सॉस आता है वो भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल के खाओ बहुत अच्छा आता है। तो बस ये अचार वचार ले लेंगे साथ में, यहाँ पर बस चल रही हूँ, आराम से खाती हूँ। और अभी यहाँ पे 11:30-12 बजे का टाइम हो रहा होगा इतना करते करते, तो ये इनको भी दी और अपने भी चल रही हूँ, बैठ के खाऊंगी, और कुछ वीडियो की एडिटिंग करनी है, मशीन में कपड़े लगाए हैं साफ़ करने के लिए, उसको ड्रायर में डालना है, मतलब वो वॉश हो गया है ड्रायर में डालना है, तो बस वो डालना है और वीडियो की एडिटिंग भी करनी है। तो चल रही हूँ, बैठ के आराम से खाती हूँ, और कपड़े मैंने अभी डाल के आए थे सूखने में तो वो सूख गए थे, तो मुझे लगा इसको फोल्ड कर देती हूँ और उसके बाद मैं बैठूंगी वीडियो वगैरह की अपनी एडिटिंग करूंगी, ये वीडियो कितनी शूट हुई है वो देखूंगी। कभी कभी मेमोरी फुल हो जाती है ना, तो जब वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करो तो लिख के आने लगता है कि मतलब डिलीट करो, मेमोरी पूरी फुल हो गई है, तो फिर उसमें टाइम लगता है, तो इसलिए अभी मैं बैठूंगी, जितनी पिछली वीडियो होगी ना उसको डिलीट करूंगी जो मेरे काम की नहीं होगी। तो यही सब काम दोपहर में रहेगा, मुझे लगा पहले कपड़े मैं फोल्ड करके रख देती हूँ, उसके बाद में वो सारा काम करती हूँ, और इसके बाद में फिर शाम के लिए मैंने अभी चल रही हूँ राजमा भिगाना है और मटर भिगाना है, क्योंकि कुछ ऐसा डिसाइड नहीं किया है क्या बनाऊंगी, और सब्जी में ऐसा कुछ है नहीं, तो मुझे लगा कि अभी चल रही हूँ किचन में, ये सारी चीज़ें भिगा देती हूँ, और यहाँ पे कपड़े सारे फोल्ड हो गए हैं, बस मुझे रखने हैं जगह जगह पे। तो यहाँ पे बस ये देखो राजमा थोड़ा भिगा देती हूँ, थोड़ा जो काबुली चने होते हैं ना वो भिगा देती हूँ। तो आज लगेगा तो मैं छोला भटूरा बनाऊंगी, और थोड़ा नान सोची हूँ बनाने का, लेकिन अगर मूड नहीं किया ना तो फिर राजमा चावल भी बना सकती हूँ। फिलहाल सुबह चावल बनाए थे इसलिए वो मन नहीं कर रहा, लेकिन दोनों मैंने भिगा के रख दिया था कि जो भी मन करेगा वो बना लूंगी। यहाँ कुछ दिन पहले मैंने जामुन के पल लेके आए थे जामुन का सॉर्ट बनाने के लिए, एक बार बनाया था तो फिर शायद वीडियो शूट नहीं किया था, इस बार मैं बनाऊंगी तो आपके साथ भी शेयर करूंगी। बस ये दोपहर के बर्तन हैं, खाना वगैरह हो गया था तो दोपहर के बर्तन नहीं साफ किए थे, तो लगा दोपहर के चलो बर्तन वगैरह भी साफ करके किचन एक बार साफ करके उसके बाद चलती हूँ, तो अब बस चाय बनाने के टाइम आऊँगी। उसके बाद मैं ये सारा वीडियो का काम किया, एडिटिंग वगैरह किया, फिर सो गई थी, थोड़ा टीवी देखते देखते आँख लग गई थी। बस यहाँ पे शाम का टाइम हुआ है, चाय बनाने के लिए आई हूँ, एक साइड में चाय रख देती हूँ और फिर दूसरी साइड में ना छोला रख देती हूँ। तो आज इनसे मैंने पूछा क्या बनाऊँ, तो बोले नहीं छोला भटूरा बना, तो फिर मुझे लगा कि मैं साथ में नान भी बनाती हूँ। तो यहाँ पे एक कपड़े में मैंने सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं और चाय की पत्ती थोड़ी डाली है, उसको पोटली बना के ना मतलब जब ये उबालूंगी, छोले उबालूंगी तो उसमें डाल दूंगी, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे छोले में मैंने थोड़ा सा नमक डाला, वो पोटली डाला, थोड़ा सा पानी डाल के, और थोड़ा सा खाने वाला मैंने सोडा डाला था हल्का सा, इससे काबुली चने ना बहुत अच्छे गल जाते हैं।
और उसके बाद में मैं यहाँ पे आटा लगा के रख देती हूँ। तो आटे पे मैंने एक बड़ी कटोरी थी उससे आटा मैदा लिया है, और उससे एक छोटी कटोरी थी मतलब हाफ समझिए आटा लिया है, जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है ना वो। तो ये दोनों मिक्स करके बनाओ ना तो बहुत अच्छा बनता है। पूरा मैदे का ही बनाओ तो उतना अच्छा नहीं बनता है, मैंने कितनी बार भी ट्राई कर चुका है। और मेरे पास आज दही नहीं थी, फ्रेश दही नहीं थी, मैंने यहाँ पर ईस्ट लिया है, मतलब थोड़ा सा जो ईस्ट होता है ड्राई ईस्ट होता है ना वो, मतलब छोटा स्पून रहे तो एक स्पून भर के, और अगर स्पून है तो हाफ स्पून, वो डाला है इसमें। और एक साइड प्रेशर कुकर लगाया है तो उसका मतलब सीटी दे रहा है वो, और एक साइड मतलब इसमें मैंने फिर थोड़ा सा शक्कर डाला, थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा ऑयल डाला, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप, और उसके सरसों का तेल छोड़ के मतलब कोई भी ऑयल। तो यहाँ पे बस पानी से मैंने आटा की तरह गूंथ लिया है और इसको प्लास्टिक के रैप में करके रेस्ट करने के लिए रख दिया है। अभी फिर चाय मतलब इतना करते करते चाय एक बार ठंडी भी हो गई, मतलब बंद कर दी थी मैंने, मुझे लगा ये सारा काम कर लेती हूँ ना ताकि फिर खाना बनाना ईजी रहे, तब बैठ के चाय पीती हूँ। तो छोले भी मतलब उबल गए हैं, आटा भी लगा के रख दिया है, यहाँ आराम से मैं बैठ के चाय पीऊँगी। और आजकल बिग बॉस आ रहा है ना तो 1.5 घंटे हमारा चाय पे अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है, 1.5 घंटे बस वो देखा, और बस फिर मुझे लगा कि चलो अभी किचन में फिर से लगते हैं। यहाँ पे सारी चॉपिंग वगैरह कर रही हूँ, लहसुन मिर्ची अदरक प्याज छोला बनाने के लिए। और इस बार छोला ना मैंने कुछ भी फाइन चॉप नहीं किया है, कुछ भी पीस नहीं रही हूँ, सब एकदम मतलब रफली चॉप किया है बड़े बड़े पीस में। बस यहाँ पे तेल डाला, थोड़ा सा खड़े मसाले का तड़का दिया। आपको खड़े मसाले का तड़का नहीं देना हो तो भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जो छोले उबाले हैं ना उसमें खड़े मसाले का सारा फ्लेवर है, लेकिन फिर भी हल्का सा मैंने खड़े मसाले का तड़का दे दिया है, तेज़पत्ता लाल मिर्च, और उसके बाद हरी मिर्च अदरक लहसुन प्याज ये सारा तड़का दिया, और थोड़ा सा नमक डाल दिया प्याज डालने के बाद में। नमक से थोड़ा जल्दी प्याज गल जाता है, वैसे वाइट वाला प्याज होता है ना तो फिर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो वैसे प्याज होते हैं ना वो ज़्यादा गल जाते हैं, वाइट वाला प्याज बहुत देर से गलता है। तो फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर सारे मसाले डाले, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, वो हो गया, साथ में थोड़ा सा पानी वो हो गया था। तो इसमें टमाटर डाले, टमाटर भी एकदम कम आँच करके करोगे ना तो ये सारी चीज़ें गल जाएंगी। तो एक साइड मैं कम आँच करके उसको भून रही हूँ। यहाँ पर देखिए जो काबुली चने थे ना वो अच्छे से मतलब उबल गए हैं, और वो पोटली निकाल के मैंने हटा दी है उसमें से जो मतलब डाली थी मैंने, और यहाँ पर ये सारा हो गया था तो मैंने अच्छे से उसको मैश कर दिया था ना, सारे मसाले मैश हो गए थे, जितने भी लहसुन वहसुन की कलियाँ थी ना सब अच्छे से मैश हो गई थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर डाला, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला, और ये डाल रही हूँ कसूरी मेथी। ये सारी चीज़ें ना मैंने थोड़ा सा छोला मसाला डाला, ये सारी चीज़ें पूरा एकदम छोला तैयार हो जाए ना उसके बाद मैंने डाला है, मतलब पानी डालने के साथ में। तो ये बस इसको ढकती हूँ, बस सारे मसाले पानी छोले सब मिक्स हो गए, अच्छे से पक गए हैं, तो ऊपर से थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल दिया, तो ये छोला रेडी हो गया। बहुत जल्दी बन गया था, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ा था उसके लिए। और यहाँ पे मैदा जो सान के रखी थी आटा ना, और वो भी रेस्ट हो गया, 1.5 घंटे 2 घंटे तो हो ही गया। यहाँ पे मैंने बटर निकाला है, थोड़ा सा धनिया पत्ता चॉप किया है, थोड़ा सा लहसुन को मतलब मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिए हैं, आपको लगे तो आप कद्दूकस भी कर सकते हो इसकी जगह। फिर जो मैदा था ना उसको मैंने मतलब अच्छे से सिझाया है स्लैब पे ही, अच्छे से सिझाने के बाद में इसको छोटी छोटी लोई में कट कर ली है। बस इसको छोटी सी रोटी की तरह बेल लेंगे, और इस पे जो भी गार्लिक कद्दूकस किया या काटा हुआ था ना उसको डाला है, धनिया का पत्ता डाला है, और थोड़ा सा जो कलौंची होता है ना ब्लैक वाला वो डाला है। और इसको फिर से आप मतलब डालने के बाद में फिर से बेलन से एक बार बेल देंगे तो ये सारा चिपक जाएगा उसमें। बस यहाँ कास्ट आयरन था तो उसको मैंने डाल के ढक दिया है, मतलब डाल के रख दिया पकने के लिए, और एक साइड में फिर से एक और बना लिया है। यहाँ पे एक साइड से देखिए अच्छे से सिझ गया है। मेरे पास वैसा गैस नहीं है ना जिसमें जैसे इंडिया जैसा जिसमें गैस निकलती है, आँच निकलता है, वैसे वाले गैस पे ना बहुत अच्छा बनता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा बन गया था। तो यहाँ पर देखिए थोड़े सैलड कट कर लिए थे, सैलड में प्याज टमाटर और मिर्ची ऐसे कट कर ली थी, तो अभी इनको दे आती हूँ, खाते रहते हैं, क्योंकि ये सब गरम गरम खाओ ना तभी अच्छा आता है, ऐसे बना के रख दो साथ में तो उतना अच्छा नहीं आता। फिर उसके बाद इनको भटूरे भी खाने के मन थे तो मुझे लगा कि लाओ इसी आटे का भटूरा भी बना देती हूँ, बहुत अच्छे से फुला था, अभी मैं दिखाती हूँ। तो एक साइड मैंने थोड़े नान बनाए और थोड़े से भटूरे बनाए। तो यहाँ पे भटूरे के लिए दोनों कढ़ाई मेरी फंसी हुई थी तो मैंने इसीलिए ये जो जिसमें चाय बनाती हूँ ना छोटे छोटे ही भटूरे बनाए हैं, जिसमें चाय बनाती हूँ मैं उसमें ही मतलब मुझे लगा कि लाओ छान लेती हूँ। थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन अगर छोटा छोटा बनाओ ना तो भी मतलब छन जाता है। तो यहाँ पे एक साइड मैंने एक जो कास्ट आयरन का इधर आप देख रहे होंगे ना उसमें मैंने वो किए हैं
नान डाले हैं खोने के लिए, और नान को आप लगे ना तो ढक के भी पकाएंगे ना तो भी अच्छा पकेगा। तो एक मैं अभी ढक के पका रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है। और यहाँ पे भटूरे भी छोटे छोटे ही बने थे, लेकिन भटूरे भी फूले फूले बन गए थे। ये आज रात की हमारी थाली रेडी हो गई। सुबह में मैंने जो फ्राइड राइस बनाई थी ना, वो थोड़ी ले ली है, छोले सैलेड और ये भटूरा और नान। तो ये हमारी पूरी थाली रेडी हो गई है। सुबह के बचे हुए थे राइस, तो अभी तक मतलब अभी लगा के थोड़ा थोड़ा साथ में ले लेते हैं। तो ये हमारा रात का डिनर हो गया, और बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। कभी कभी मन करता है कुछ चेंज खाने का, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। वैसे मैदा ही रहता है, लेकिन मैंने आटा मिक्स करके ही बनाया, पूरा मैदा नहीं है। तो ये हमारा रात का हो गया डिनर, और अभी बस इसके खाना वाना खाने के बाद सेम वही बर्तन साफ़ करना, किचन साफ़ करना, और ये जो जामुन वाले पल्प्स थे उसको बाहर, क्योंकि ये फ्रिज में रहता है ना, फ्रीज़र में रहता है, फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रहता है ना, फ्रोज़न, अगर फ्रीज़र में ना रखो तो ये ख़राब हो जाएगा। तो अगर इसको मतलब बनाना है ना, तो मैं बहुत 8 घंटे 4 घंटे 6 घंटे पहले, जैसे भी मुझे याद आता है ना, मैं निकाल के बाहर रख देती हूँ। तो आज तो मैंने कब से बाहर निकाले हुए थे, एकदम से मेल्ट हो गए थे, बहुत ज़्यादा नीचे गिर भी गए थे, तो उसको सब साफ़ किया, ये सारी चीज़ें पोछे, और यहाँ पर ये थोड़े से निकाल के और सारा मैं फ्रिज में डाल दी हूँ। बस खाना वगैरह खाया, 1 घंटे टीवी देखे, फिर मुझे लगा कि लाओ बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये फ़िलहाल रेसिपी सिद्धि ने मुझे मतलब अपने घर पे गए थे, जो पेट सबक में आपने देखा होगा, उसने पिलाया था, तो मुझे लगा कि मैं भी ट्राई करती हूँ। वो जामुन के पल लिए और उसमें थोड़ा सा शक्कर डाला, थोड़ा सा काला नमक डाला और थोड़ा सा नींबू का रस डाल दी हूँ यहाँ पर। ये सब डालने के बाद ना आप मिक्सर अच्छे से चला दो। अगर यहाँ पर विंटर है, समर में बना रहे हो, तो इसमें आइस डाल दो ना तो बहुत अच्छा आएगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने आइस वगैरह नहीं यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर अभी सर्दी है। और बस यहाँ पे थोड़े से प्लेट में नमक निकाले, और ये जो ग्लास है ना, जो मैं अभी आइकिया से लेके आई थी, आपके साथ शेयर भी किया होगा, और इसमें चारों साइड नींबू का ऐसे रस लगा देंगे ना, तो इसमें नमक ये चिपक जाएगा, तो जब आप पियोगे ना तो बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने इसमें ऐसे नमक चारों तरफ से लगा दिए हैं, और ये मतलब मैंने वहीं पे सिद्धि का ही देखा था, तो मुझे लगा मैं भी कभी ट्राई करूँगी। और ट्राई करते करते 1-1 साल हो गए, मैंने 1-1 साल पहले उसके घर पिया था ऐसा। ये थी मेरी मॉर्निंग से लेके नाइट तक की रूटीन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ। अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा।